इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है और उस वेरिएबल में से अगर हमें कुछ शुरू के चंद कैरेक्टर या दरमियान में से कुछ कैरेक्टर उठाने हैं या उसके आखिर से कुछ कैरेक्टर उठाने हैं तो कैसे उठाएंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। इसके लिए हम सब स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। फाइल मेन्यू में गए, न्यू प्रोजेक्ट आपने लिया, विजुअल बेसिक सेलेक्ट है, विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन सेलेक्ट है, एप्लीकेशन का नाम रखते हैं सब स्ट्रिंग, ओके कर दीजिए। ये हम फॉर्म कंट्रोल पर आ गए। टूल बॉक्स में से एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और एक बटन कंट्रोल लेते हैं, बटन की प्रॉपर्टी चेंज कर दें, शो सब स्ट्रिंग। बटन पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, और अब इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देते हैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, जहाँ हम टाइप करेंगे कुछ भी। नीचे अब मैं मैसेज बॉक्स में अपने जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए वो शो कराता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ मैं सबसे पहले उस वेरिएबल को लिखूँगा जिसके अंदर उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग मौजूद है या टेक्स्ट मौजूद है, ऐसे लिखेंगे। स्ट्रिंग के साथ आप डॉट डालिए, ये सब स्ट्रिंग आ रहा है लिस्ट में लिखा हुआ मेथड, सब स्ट्रिंग का मेथड हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके साथ आप ब्रैकेट लगाइए। अब ये जो सब स्ट्रिंग का मेथड है इसके अंदर इसके ब्रैकेट में हम दो वैल्यूज़ इसको बताएंगे। पहली वैल्यू उसको ये बताएगी कि कौन से कैरेक्टर से उठाना शुरू करेगा ये लेटर्स को, कैरेक्टर्स को, पहले कैरेक्टर से उठाना शुरू करेगा, दूसरे से या पांचवें से, और दूसरी वैल्यू हम ये बताएंगे कि कितने कैरेक्टर्स इसको उठाने हैं उस टेक्स्ट में से, उस स्ट्रिंग में से जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया है। फ़र्ज़ करें मैं इससे कहता हूँ कि पहली लोकेशन से तीन कैरेक्टर उठा लो, तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि मेमोरी में ये जो हमारा टेक्स्ट होगा वो किस तरह से स्टोर होगा। फ़र्ज़ करें मैं एक वर्ड लिखना चाहता हूँ न्यूज़पेपर, तो वो न्यूज़पेपर का वर्ड जो है मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा। सबसे पहली लोकेशन होगी उसकी ज़ीरो, ज़ीरो लोकेशन पे एन होगा, वन लोकेशन पे ई होगा, सेकंड लोकेशन पे डब्ल्यू होगा, इस तरह से। तो क्योंकि पहली लोकेशन ज़ीरो है इसलिए मैं इसको यहाँ सब स्ट्रिंग के मेथड में लिखूँगा ब्रैकेट में ज़ीरो कॉमा, मुझे उठाने तीन कैरेक्टर, यानी पहली लोकेशन से तीन कैरेक्टर उठा लो। ये इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लिखा न्यूज़पेपर, क्लिक करें बटन के ऊपर, शुरू के तीन लेटर इसने उठा लिए। अब मैं इसे कहता हूँ कि तीसरी लोकेशन से तीन लेटर उठा लो, एप्लीकेशन रन करते हैं। दोबारा न्यूज़पेपर मैंने लिखा, आप कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं, एस पी ए, अब की दफ़ा मैं इसको लिखता हूँ पांचवीं लोकेशन से कैरेक्टर उठा लो, लेकिन कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं ये मैंने इसको नहीं बताया। तो ये क्या करेगा, ये पांचवीं लोकेशन से कैरेक्टर उठाना शुरू करेगा और आखिर तक कैरेक्टर जितने में इसको मिलेंगे उठा लेगा। एप्लीकेशन रन करते हैं। न्यूज़पेपर मैंने लिखा, क्लिक किया, इसने चार कैरेक्टर उठा लिए।
इस वक्त हो सकता है आप सोच रहे हों कि ये छोटी छोटी चीज़ें इनका क्या मकसद है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर आप काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितने काम की हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।